आइसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम कंप्यूटर जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, कंप्यूटर जनरेशन क्या है, क्या होता है, मीन्स कंप्यूटर किस तरह से बनाया गया, इसमें किस तरह से इसका विकास हुआ, ये सारी चीजों की जानकारी हमको आज की क्लास में मिलेगी, जो कि हम देखेंगे अपने टॉपिक कंप्यूटर जनरेशन में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर जनरेशन के बारे में, किस तरह से आपके कंप्यूटर जनरेशन का यूज किया गया है। देखिए, इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले देखेंगे कि जनरेशन में आपकी कितनी प्रकार की जनरेशन प्रयोग की गई। मुख्य रूप से कंप्यूटर जनरेशन 5 प्रकार की प्रयोग की गई। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, आपकी 5 प्रकार की जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन, ये आपके सामने दिख रहे हैं। इसमें आप देखेंगे कि कब से कब तक, फर्स्ट जनरेशन आपकी 1946 से 1959 के बीच, ये एक अप्रोक्सीमेट समय है, तो ये हर जगह आपको अलग अलग मिलेगा। किसी बुक में देखेंगे तो आपको ये थोड़ा सा ऊपर नीचे ये समय मिलेगा, तो इससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें आप जैसा आपको सुटेबल लगता है, जो आपके बुक में दिखा है या फिर आप कहीं पढ़ रहे हैं, तो वो आपका सुटेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आपके फर्स्ट जनरेशन 1946 से 1959, सेकेंड जनरेशन 1957 से 1964, थर्ड जनरेशन 1965 से 1970, फोर्थ जनरेशन आपकी 1970 से 1990 तक, देन फिफ्थ जनरेशन जो है 1996 टिल डेट डेट तक, मीन्स अभी तक आपको वर्तमान प्रेजेंट समय तक अभी ये यूज हो रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपकी जो जनरेशन है, जनरेशन जो आपकी फर्स्ट जनरेशन है, जो आपकी जीरो जनरेशन थी, जनरेशन जीरो में मैकेनिकल कैलकुलेटर का यूज किया गया। मैकेनिकल कैलकुलेटर जो कि जनरली आपके मैथमेटिकल वर्क को परफॉर्म करने के लिए प्रयोग किया जाता था, जिसका प्रयोग किया गया। देन नेक्स्ट आता है आपका फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का, जो आपकी प्रमुख डिवाइस थी वो क्या थी, वैक्यूम ट्यूब थी, इसका प्रयोग किया गया। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, मीन्स आपके वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। देन नेक्स्ट आती है आपके थर्ड जनरेशन, जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का प्रयोग, मीन्स ट्रांजिस्टर के स्थान पर आईसी का प्रयोग किया गया, जो कि आपके सिलिकॉन की बनी हुई है। देन नेक्स्ट आता है आपका माइक्रो प्रोसेसर, आपको फोर्थ जनरेशन में आपको क्या, माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें और क्या है। ये देखिए इंट्रोडक्शन में, देन नेक्स्ट आता है आपका कि अगर हम एक टेबुलर फॉर्म में समझने की कोशिश करें कि किस तरह से आपकी जनरेशन बनी और किस तरह से इसमें आपका प्रयोग किया गया, तो आपके टेक्नोलॉजी जो बताती है कि आपको फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स की आपको आवश्यकता पड़ी। अब इसका साइज क्या था, साइज आपका क्या था, फिल्ड होल बिल्डिंग, मतलब कि आपको पूरी की पूरी बिल्डिंग का प्रयोग करना पड़ता था, मीन्स आप जिस एरिया में काम कर रहे थे, जिस कमरे में या जिस रूम में आप काम कर रहे थे, उसके लिए आपको पूरे के पूरे रूम या हॉल को पूरी तरह से इंगेज करना आवश्यक होता था। सेकेंड जनरेशन में आपके ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, जिसमें आपके हाफ रूम में काम हो जाता था, साइज थोड़ा छोटा हुआ, जिसका रख रखाव थोड़ा आसान हुआ। थर्ड जनरेशन में अगर हम देखते हैं, थर्ड जनरेशन आपके आईसी हुआ, जिसका प्रयोग होने के बाद आपके कंप्यूटर का आकार बहुत ज्यादा छोटा हो गया। देन फोर्थ जनरेशन में आपके माइक्रो प्रोसेसर चिप का यूज किया गया, जो कि हम देखते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर आज के समय में भी बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग किए जा रहे हैं, जिसके कारण क्या हुआ कि आपका अब इतना छोटा हो गया साइज आपके कंप्यूटर का कि आप इसमें आसानी से इसको पोर्टेबल करके आसानी से कहीं भी ला ले जा सकते थे। अब चलते हैं नेक्स्ट में आपका, तो सम पिक्चर्स को हम देखते हुए आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से आपकी जनरेशन बनी। फर्स्ट जनरेशन में अगर हम देखें, ENIAC मीन्स इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इसने क्या किया, डिस्कवर किया कि आपका जो फर्स्ट जो कंप्यूटर था, जो कि आपका प्रयोग किया गया वैक्यूम ट्यूब के द्वारा, वैक्यूम ट्यूब का जिसमें मुख्य रूप से प्रयोग किया गया, जो कि ये देखिए, ये एक बल्ब की तरह की एक संरचना थी, जिसमें आप देखेंगे कि इसके लिए आपको पूरे के पूरे बिल्डिंग को इंगेज करना आवश्यक होता था। आकार में बहुत बड़े होते थे कंप्यूटर, आकार में बड़े होने के कारण आपके ये इनका रख रखाव बहुत मुश्किल था, बहुत ज्यादा हैवी थे, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे, मीन्स आपके फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर को बहुत ज्यादा हीट, मीन्स आपके ये जो वैक्यूम ट्यूब थे जो चार्ज होते थे, चार्ज होने के बाद ये बहुत ज्यादा हीट को प्रोड्यूस करते थे, जिसमें क्या होता था कि ये इसके बाद ये आपका एज ए बल्ब, बल्ब की तरह क्या होता था, ये ग्लो करता था।
जो आपका फर्स्ट जनरेशन में ये चीज सबसे प्रमुख थी कि जैसे जैसे आपका ये वैक्यूम ट्यूब चार्ज होंगे, चार्ज होने के बाद ये ब्लो करेंगे, देन इसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट होती थी। तो इसमें कम से कम इसको चालू होने में ही आपके आधे से एक घंटे का समय लगता था। साइज बड़ा होने के कारण और बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करने के कारण क्या होता था कि इसको हैवी कूलेंट की आवश्यकता पड़ती थी। मीन्स अगर आपकी मशीन बहुत ज्यादा हीट करेगी तो वो क्या हो जाएगी, जल सकती है। तो इसलिए इसको क्या किया जाता था, इसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए मुख्य रूप से कूलेंट्स का प्रयोग किया जाता था फर्स्ट जनरेशन में। देन इनपुट के लिए पंच कार्ड का यूज किया जाता था। देन स्टोरेज के लिए आप प्रयोग करते थे मैग्नेटिक ड्रम का। देन नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट जो आपका आता है सेकंड जनरेशन आती है। सेकंड जनरेशन में आपने आईबीएम 7094 का प्रयोग किया गया। देखिए साइज आप देख सकते हैं, साइज बहुत छोटा हो गया है कंप्यूटर्स का, बहुत आसानी से इसका रख रखाव किया जाने लग गया है। लेकिन आपका सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में आपके वैक्यूम ट्यूब के स्थान पे प्रयोग किया गया ट्रांजिस्टर का, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टेप का, मीन्स जो कि आपके रील्स के रूप में होते हैं उन मैग्नेटिक टेप का क्या किया गया, प्रयोग किया गया, जो कि स्टोरेज के लिए था। देन आपके पास्कल कोबोल जैसी लैंग्वेजेस का प्रयोग किया गया सेकंड जनरेशन में। आपके फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा साइज छोटा हुआ, साइज छोटा हुआ। देन इसमें आपका साइज छोटा हो रहा है और इसकी थोड़ी सी प्रोसेसिंग फास्ट हुई फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा। देन नेक्स्ट हम चलते हैं आपके थर्ड जनरेशन की तरफ चलते हैं। थर्ड जनरेशन जो है, थर्ड जनरेशन में आपका मुख्य रूप से प्रयोग किया गया आईसी का, आईसी का प्रयोग किया गया। आप थर्ड जनरेशन में आईसी का प्रयोग कर रहे हैं और ये इसके लिए आपने ट्रांजिस्टर को रिमूव किया है, ट्रांजिस्टर के स्थान पे आईसी का प्रयोग किया गया, जो कि आईसी आपके यहाँ सामने आपको दिख रही है, ये देखिए आपकी आईसी है। तो ये छोटी छोटी आईसी जिसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि ये सिलिकॉन की बनी हुई होती है। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर अपेक्षाकृत बहुत छोटे हो गए, तेज गति से कार्य करने लग गए और इनका रखरखाव बहुत ज्यादा आसान है, जिससे आपके लाखों हजारों ट्रांजिस्टर का कार्य आसानी से आपका इंटीग्रेटेड सर्किट कर सकता था, जिससे आपका मशीन बहुत फास्ट हो गई, तेज गति से काम करने लगी, विश्वसनीय होने लगी। और स्टोरेज के लिए आपने यहाँ पर हार्ड डिस्क का प्रयोग किया। नेक्स्ट हम चलते हैं फोर्थ जनरेशन के ओवर, जिसमें हमने LSIC या फिर LSIC वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया, जिससे आपके कंप्यूटर का बहुत आकार छोटा हो गया। देख रहे हैं जैसा कि आपके सामने में दिख रहा है LSIC का आपका प्रयोग हो रहा है, जो आपकी 1000 से 10000 LSIC जो है आसानी से काम कर सकती थी, कि आपके ट्रांजिस्टर के लिए एक LSIC आसानी से काम कर सकती थी। तो बहुत ज्यादा तेज गति से आगे आपके कंप्यूटर में आ गई, आसानी से आप काम करने लगे, आकार आपके सामने में ही है जो कि पोर्टेबल है, बहुत आसानी से इसका प्रयोग होता था और ये बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं रह गए थे। आपके ये सिंगल चिप पे काम करने वाले कंप्यूटर्स हो गए थे जो कि बहुत तेजी से काम करते थे। देन नेक्स्ट हम चलते हैं आपकी फिफ्थ जनरेशन की तरफ। तो फिफ्थ जनरेशन जो है आपकी साईफाई के डेवलपमेंट पे काम कर रही, जिसमें आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में या फिर बायो कंप्यूटिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजों के लिए आपका जनरली फिफ्थ जनरेशन पे अभी भी वर्किंग चल रहा है, अभी भी काम किया जा रहा है। जैसे ही ये आपके मशीन खुद से काम करना सीख जाएंगे, मीन उसके पास खुद का दिमाग आ जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगा, तो ये जनरेशन भी आपकी खत्म होके आपकी नेक्स्ट जनरेशन आ जाएगी। वर्तमान में अभी आपकी इस तरह की चीजें आपकी प्रयोग में लाई जा रही हैं कि इस तरह के कंप्यूटर्स हैं, टैबलेट्स हैं, देन लैपटॉप्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं। तो ये सब आपके अगर आपके बहुत अच्छे तरीके से या फिर आपके ऑटोमेटिक काम करने लग जाएंगे, तो ये आपका ये जनरेशन खत्म होकर आपके अपनी नेक्स्ट जनरेशन में आप चले जाएंगे। तो ये था आज की क्लास में हमने देखा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। ये आज की क्लास में आपने इतिहास को जाना, हिस्ट्री को जाना कि किस तरह से आपका जो कंप्यूटर है इसका विकास किया गया है और किस तरह से इसके डिवाइसेस में परिवर्तन हुआ है, इसमें किस तरह से कॉस्टिंग आपकी चेंज होती गई है। तो ये सारी बेसिक चीजों के बारे में आज की क्लास में हमने देखा। आज की क्लास के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।